जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, मैं फहद मखसूसी आप लोगों को ये इतला देता हूं कि जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक गैर सियासी अवामी इजलास मुंतखब किया जा रहा है बरोज़ हफ्ता 18 जून 2022 को बमुकाम चंचलगुड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, शाम 7 बजे से शुरू किया जाएगा। उन्वान इजलास एहतजाज गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हुकूमत से मुनासिब कार्रवाई के मांग के लिए किया जा रहा है। और मैं आप सभी मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि कसीर तदाद में जमा होइए और आशिक रसूल होने का सबूत दीजिए। हालांकि ये एहतजाज जलसा गुस्ताख रसूल के गिरफ्तारियों के खिलाफ 18 जून को धरना चौक में किया जाना था, पर अफसोस साजिशतन तौर पर इसे कैंसिल करवा दिया गया और उसी रोज़ हैदराबाद के एक दूसरे मुकाम पर गैर सियासी तंजीम के नाम के नीचे एक सियासी दफ्तर में दूसरा जलसा करवाया जा रहा है। अगर यही जलसा भले ही सियासी दफ्तर में क्यों ना हो पर 17 या 19 जून को करवाया जा रहा होता तो बखुदा मैं खुद इस जलसे की शिरकत के लिए आप तमाम बिरादराने मुस्लिम से अपील करता कि इसमें शिरकत करें और हमारी नाराज़गी और इत्तेहाद का मुजाहरा करें, क्योंकि मौका नज़ाकत को समझते हुए यकीनन तमाम सियासी व ज़ाती नाइतफाकियों को कुछ वक्त के लिए दरकिनार कर आकाए दो जहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए एक होने का पैगाम देता, क्योंकि आका से मोहब्बत भी एक इबादत है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस दर्द को समझ रहे हैं कि ऐसी शख्सियत जिसके नाम पर हम अपनी गर्दनें भी कटवा सकते हैं और चाहते हैं कि उनके नाम पर सियासत ना हो, और जो लोग इस वक्त भी सियासत कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि वो इबादत नहीं कर रहे हैं बल्कि सिर्फ सियासत कर रहे हैं। जब मुझे इन तमाम तफसीलात के और साजिशों की इत्तला मिली तो मैं अपने तौर पर हैदराबाद की आवाम से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सरवर कौनैन, खातिमुल नबीन, सैयद वल मुरसलीन, शिफाउल शफीउल मजलूमीन, अनीसुल गुरबईन, रहमतुल आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुस्तकीन, शमसुल आरिफीन, सिराज सालेहीन, मिसबाए मुखर्रिबीन, मुहिब्बुल फुखरा वल गुबरा वल इतामाए मनसाकीन, सैयद सखलैन, नबी अल हरमैन, इमाम क़िबलतैन, महबूब रब्बिल मशरिकीन वल मग़रिबीन, जद अल हसन अल हुसैन, मौलाना मौलाए सखलैन, अबुल क़ासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इबादत करना चाहते हैं या सियासत करना चाहते हैं। और हशर में जब हमसे पूछा जाएगा मा कुनता तकुलू फी हादा अल रजुल, इस रसूल के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, उस वक्त हमारी ज़बानें गुम होकर ना रह जाएँ, क्योंकि इबादत करना सिर्फ 5 वक्त परवरदिगार के आगे सर झुकाने का नाम नहीं बल्कि इबादत करना जालिम व जाबिर हाकिम के आगे कलमाए हक कहना भी है, और इबादत अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार मोहब्बत करना भी है। चुनाचे ये इबादत का मरहला है, इसलिए मैं एक बार फिर आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि बरोज़ हफ्ता 18 जून 2022 को बमुकाम चंचलगुड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में 7 बजे से 10:30 बजे तक होने वाले अवामी इजलास को मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार रहेगा। अपनी शिरकत से इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए कुव्वत गुआई से नारा तकबीर को बावाज़ बुलंद कीजिए और हुकूमत को अपनी नाराज़गी का इजहार कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए,
फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।